अब हेडिंग डालते हैं हम रिजॉल्विंग लिमिट और एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट और एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट और एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट, और कल हम ये डिस्कस कर चुके थे कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहां आपकी आई, इन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट ने एक एंगल सबटेंड किया आई पर और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर एंगल से छोटा एंगल सबटेंड कर देंगे तो फिर दोनों अलग अलग आपको नहीं दिखाई दे रहे। तो ये छोटे से छोटा एंगल जिस एंगल को सबटेंड करने वाले दो क्लोजली स्पेस पॉइंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग आपको दिखाई दे सकते हैं, इस छोटे से छोटे एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है, लिख लेते हैं इसको डेफिनेशन में, लिखते हैं द मिनिमम एंगल सबटेंडेड बाय टू क्लोजली द मिनिमम एंगल सबटेंडेड बाय टू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, द मिनिमम एंगल सबटेंडेड SUBTENTED सबटेंडेड बाय द टू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, टू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स such that the two objects are distinctly visible, such that the two objects are distinctly visible is called resolving limit, is called resolving limit or angular resolving limit, is called resolving limit or angular resolving limit. For normal eye it is 1/60 degree, it is 1/60 degree or 1 minute, it is 1/60 degree or 1 minute, 1/60 degree or 1 minute. Okay, ये आपका स्केल है 0, यहां लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसके फर्दर आपने पार्ट्स कर देते हैं तो ये एक पार्ट कितना होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये एंगल है आपका 1 डिग्री, इसके 60 पार्ट कर दो तो इसमें से हर एक पार्ट कहलाएगा जो कि 1/60 डिग्री है, 1 मिनट, वही वाला मिनट जो आपके टाइम वाला मिनट होता है। फिर इसके एक बार और 60 पार्ट कर दोगे तो अब हर एक पार्ट कहलाएगा 1 सेकंड, यानी मिनट और सेकंड ये आपके टाइम के भी यूनिट्स हैं और ये आपके एंगल के भी यूनिट है, लेकिन टाइम का कोई रिलेशन नहीं है इस एंगल से, समझेगा? तो हमारी आंख के लिए छोटे से छोटा एंगल कितना, 1 मिनट। अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि उन्होंने हमारी आंख पर 1/60 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है तो हमें ये दोनों अलग अलग दिखाई दे जाएंगे, और अगर ये सबटेंडेड एंगल 1/60 डिग्री से छोटा है तो फिर अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेड डालते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।
द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर it is given by the reciprocal of angular resolving limit it is given by the reciprocal of angular resolving limit of an optical instrument of an optical instrument ठीक है अब लिखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और ये रिजॉल्विंग पावर है सीधे सीधे हम फॉर्मूला लिखेंगे कोई डेरिवेशन नहीं ये रिजॉल्विंग पावर है आपकी 2 म्यू साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा इस फॉर्मूले की डेरिवेशन वगैरह सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लिख लेना है ये रिजॉल्विंग पावर है रिजॉल्विंग लिमिट कितना होगा इसका उल्टा कर दीजिए 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा बाय 2 अब ये तीन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इनमें तो ये क्या क्या है म्यू क्या है म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मैंने ड्रॉ किया है ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप क्या ड्रॉ किया है ये ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप ठीक है कॉन्वेक्स लेंस है ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव और ये मैंने रखा है क्या ऑब्जेक्ट ठीक है अब इस ऑब्जेक्ट से आप अपने लेंस के किनारों को मिला दीजिए इस लेंस के किनारों को मिला दीजिए कहाँ से ऑब्जेक्ट से तो ये जो एंगल बन गया ये एंगल है थीटा इट इज कॉल्ड कोन एंगल कोन बन गया ना एक तरह का ये कोन एंगल कहलाता है ठीक है ये थीटा की वैल्यू यहाँ कोन एंगल लिखी जाएगी म्यू क्या चीज़ है इस लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी मीडियम है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का नहीं है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है बल्कि लेंस के और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी मीडियम है ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना है म्यू और नॉर्मली हमारे लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगी एयर तो इस म्यू की वैल्यू क्या ली जाएगी 1 ली जाएगी भाई हम माइक्रोस्कोप से कोई चीज देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमने नीचे रखा हुआ है माइक्रोस्कोप के लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है एयर तो फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाएगा करेक्ट लेकिन उसी चीज को हम पानी में डुबो के देखने लगे तो फिर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा करेक्ट लैम्डा क्या है जब आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं देखिए यही कैमरा है हमारा इस कैमरे से ये ऑब्जेक्ट ये क्यों दिखाई दे रहा है कहीं से लाइट आ रही है ना पहले इसके ऊपर बाहर खिड़की से लाइट आ रही है यहाँ और फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे के लेंस पर पहुंच रही है तभी तो दिख रहा है
तो जब आप माइक्रोस्कोप से कोई चीज देख रहे हैं तो पहले तो कहीं ना कहीं से लाइट आपको इंसिडेंट करनी पड़ेगी ना, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को प्रकाशित करने के लिए कहीं से तो लाइट लानी पड़ेगी। तो ये लैम्डा है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सी लाइट? यूज्ड टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्रकाशित करने के लिए जो लाइट आप यूज कर रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, इस न्यूमेरिकल पर एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस फॉर्मूले पर, लेकिन फिर भी जब फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए सब क्या है। ये बात आ सकती है, देखिए रिजॉल्विंग पावर में वेवलेंथ आ रही है, वेवलेंथ समझते हो आप? वेवलेंथ किस कलर की लाइट की वेवलेंथ सबसे बढ़िया होती है? रेड की सबसे बड़ी होती है। और किसकी सबसे कम होती है? वायलेट की सबसे कम होती है, ब्लू की है ना। तो एक बार आपने ऑब्जेक्ट को देखा रेड लाइट में रखकर, एक बार आपने ऑब्जेक्ट को देखा ब्लू लाइट में रखकर, कब ज्यादा क्लियर दिखाई देगा? जब रेड, क्योंकि रेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी बढ़िया रिजॉल्विंग पावर। वेवलेंथ किसकी बड़ी है? रेड कलर की। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मूले पर, क्या कि आपने दो बार एक ही ऑब्जेक्ट को देखा माइक्रोस्कोप से, एक बार रेड लाइट से देखा, एक बार ब्लू लाइट से देखा, तो ये क्लियर किस लाइट में दिखाई देगा? आप लिखेंगे रेड लाइट में दिखाई देगा। कॉज रीजन, पहले आपको ये फॉर्मूला बताना पड़ेगा। रिजॉल्विंग पावर इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा 1/2 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। सिंस द वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू, हेंस द रिजॉल्विंग पावर इन रेड लाइट इज लार्जर देन रिजॉल्विंग पावर इन ब्लू लाइट। अच्छा, इनवर्सली है ये। हाँ, तो रेड लाइट में क्लियर कम दिखाई देगा, ब्लू लाइट में ज्यादा, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी है तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? लिख लीजिए इसे, पूरा डायग्राम भी बना लीजिए और लिख लीजिए इसे। फॉर्मूला क्लियर है ये कि वेवलेंथ अगर आप घटा देंगे तो रिजॉल्विंग पावर बड़ी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूले में हमारे आ रहा है रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ हम छोटी करते चले जाएंगे रिजॉल्विंग पावर बढ़ती रहेगी, यानी कि हमें और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। छोटी से छोटी कौन सी वेवलेंथ यूज कर सकते हैं हम? ब्लू कलर की लाइट, वायलेट, जिसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। वायलेट कलर की लाइट की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम या 4400 नैनोमीटर। अगर आपने लाइट इससे भी कम वेवलेंथ वाली यूज कर ली तो क्या होगा? तो और बढ़िया रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी, रिजॉल्विंग पावर और अच्छी हो जाएगी, है ना? नहीं, फिर हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि फिर वो लाइट पहुंच जाएगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, फिर वो विजिबल लाइट रहेगी नहीं। हम सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी देख सकते हैं? रेड। सबसे छोटी कौन सी देख सकते हैं? वायलेट। इससे भी छोटी कर दी तो दिखाई नहीं देगी। तो हम यहां रेस्ट्रिक्ट हो गए कि ज्यादा से ज्यादा कहां? ब्लू लाइट तक हम यूज कर सकते हैं। अगर ब्लू लाइट से भी कम है वेवलेंथ तो फिर वो हमें दिखाई ही नहीं देगी, फिर वो वेवलेंथ क्या होगी? वो वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देगी, पता ही नहीं चलेगा उसका बन रही या नहीं बन रही। जो हमारी नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट हमारी, देखिए नॉर्मल लाइट हमारी कहां से कहां तक है? रेड से लेकर के वायलेट तक। रेड की वेवलेंथ है 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास और वायलेट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो हम
वायलेट लाइट की यूज करेंगे तो हमें रिजॉल्विंग पावर ऊंची मिलेगी क्योंकि वेवलेंथ हमने छोटी कर ली। अगर इससे नीचे की वेवलेंथ लेते हैं हम, तो हम पहुंच जाएंगे किसमें, अल्ट्रा वायलेट में, और ये हमें विजिबल है ही नहीं। इमेज तो बनेगी लेकिन हम देख नहीं पाएंगे उसको। अच्छा, रेड और लाइट के लगभग लगभग बीच बीच में कलर आता है येलो, और येलो की जो वेवलेंथ है वो लगभग लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है। तो हम ये कहते हैं कि विजिबल लाइट की एवरेज वेवलेंथ कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम। विजिबल लाइट की एवरेज वेवलेंथ कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है, करेक्ट। ये रिजॉल्विंग पावर हम फाइंड कर रहे हैं किसके लिए, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लिए, जिसमें कि हमें वेवलेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, 5000 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेटली मीन वेवलेंथ, ठीक है। अब हमें अगर रिजॉल्विंग पावर और बड़ी चाहिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डिक्रीज कर लेंगे वेवलेंथ को, उतनी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर बन जाएगी। लेकिन वेवलेंथ को डिक्रीज करने के लिए फिर हमें पहुंचना पड़ेगा अल्ट्रावायलेट में, वो दिखाई नहीं देगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम कुछ कन्वर्जन करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे ताकि वो दिखाई दे जाए। तो अगर हमें इनविजिबल को विजिबल बनाकर देखना है तो क्यों ना वेवलेंथ और कम कर ली जाए। हम एक नया टेलीस्कोप यूज करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आप क्या यूज करते हैं, लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम समझते हो, अभी आपने केमिस्ट्री में जे.जे. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड से बीम निकलती है, वो इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर लें हम। फायदा क्या होता है इसका, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इस इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ होती है लगभग 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 1 एंगस्ट्रॉम। कितनी, जबकि ऑप्टिकल की लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपने 5000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट के बजाय 1 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट यूज कर ली तो रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी, 5000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये हमें दिखाई तो देती नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम दिखाई नहीं देती, जे.जे. थॉमसन में आपने पढ़ लिया, विजिबल तो है नहीं है। कोई बात नहीं, इन्हें विजिबल करने का भी तरीके होता है, किसी तरीके से हम इन्हें विजिबल बना लेंगे, इन्हें किसी और रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, रिजॉल्विंग पावर हाई मिल जाएगी। बायो वाले कौन कौन है, बायो वाले रेज योर हैंड्स, बायो वाले आप सब ने पढ़ा है उसका स्ट्रक्चर, किसका, सेल का स्ट्रक्चर, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया साइटोकॉन्ड्रिया इस तरह की चीज़ें होती ना, पढ़ा है ना आपने, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम और ये सोम और वो सोम, उन सबको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि उनका साइज लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा है। जिसका साइज ही वेवलेंथ से, लाइट की वेवलेंथ से छोटा, वो तो दिखाई देगी ही नहीं, हमें और भी छोटी वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी। हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लिखिए, इन दिस माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। इन दिस माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट, ILLUMINATE, इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। सिंस द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम
इज अबाउट वन एंगस्ट्रॉम, इज अबाउट वन एंगस्ट्रॉम, इज अबाउट वन एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं, वन ए, ए के ऊपर छोटा सा जीरो, है ना। वन एंगस्ट्रॉम विच इज, विच इज वन बाय 5000 टाइम्स, विच इज वन बाय 5000 टाइम्स द मीन वेवलेंथ, विच इज वन बाय 5000 टाइम्स द मीन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विच इज वन बाय 5000 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। हेंस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अबाउट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अबाउट 5000 टाइम्स, इज अबाउट 5000 टाइम्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5000 टाइम्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, 5000 टाइम्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। जितनी रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की है उससे 5000 गुना ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। इसका मीनिंग समझ रहे हो, आपने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को अगर 1 मेगापिक्सल का कहा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने मेगापिक्सल का होगा, 5000 मेगापिक्सल का होगा। कितना ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, 5000 गुना ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। उसमें बड़ा हो सकता है उतना ही दिखाई दे, लेकिन क्लियर ज्यादा होगा वो। नेक्स्ट लिखते हैं हेडिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। और इसके लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए, जैसे हमने माइक्रोस्कोप का लिखा है वैसे ही रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होता है कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्डा, कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्डा। और ये कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। डायमीटर समझते हो, ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का ये डायमीटर कैपिटल डी कहलाएगा। ठीक है, लिखिए सर फॉर्मूले को।